तो भाई यो आज आपके सामने खड़ा है न्यू होलैंड 3630 सुपर प्लस। और भाई आज के टाइम पे ना कंपनियां खुद अपनी ट्रैक्टरों का कंपटीशन लाकर मार्केट के अंदर खड़ा कर देती है। जैसे कि जो फार्म ट्रक 45 का कंपटीशन हो गया 50 के साथ, और जो है 52 और पहले जो 53 गियर प्रो आता था, तो अभी जो 50 डी को भी गियर प्रो कर दिया। और अभी भाई फिलहाल जो है न्यू होलैंड 3630 और स्पेशल एडिशन आता था पहले, तो ज़्यादा कुछ इन दोनों के अंदर है ना कन्फ्यूजन नहीं होती थी। और न्यू होलैंड वालों ने भी जो है अभी फिलहाल जो है अपना न्यू होलैंड 3630 सुपर प्लस नया मॉडल लॉन्च कर दिया, जिसमें जो है साइड में साइलेंसर कर दिया, स्टिकर वगैरह चेंज कर रखे हैं, तो उसका जो प्राइस भी कुछ ना कुछ इससे ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में देखें कि कुछ ना कुछ ज़्यादा पे कर आपको जो है न्यू होलैंड नए वाला मॉडल लेना चाहिए सुपर प्लस, या आपको लिए जो है न्यू होलैंड 3630 पुराने वाला मॉडल ही बेस्ट रहेगा। ये मॉडल जैसे कि खड़ा है आपके सामने, ये बेस्ट रहेगा। तो आज की वीडियो में आपकी जो सारी कन्फ्यूजन दूर रह जाएगी। अगर फिर भी आपकी जो कन्फ्यूजन रह जाए, डाउट आपके जो दिमाग में रह जाए, तो साइड बाय साइड जो इन दोनों का कंपेरिजन भी कर देंगे, आप जो कॉमेंट करके बता देना। तो आज की वीडियो में देखें कितने कुछ जो आपको ऑन रोड प्राइस में मिल जाएगा, कितने कुछ उसके अंदर फीचर्स है, और डिफरेंस भी बताऊंगा कि नए वाले सुपर प्लस और इस सुपर प्लस के अंदर कितना कुछ जो है डिफरेंस आता है, सबके ऊपर बात करें। तो आपके जो लगभग आज की वीडियो में डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी ना हो तो कमेंट करके बता देना, साइड बाय साइड दोनों मॉडलों में जो है ना नए वाले सुपर प्लस को और इस सुपर प्लस को जो साइड बाय साइड कंपेरिजन कर देंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे से आपको ऐसा कुछ जो लुक मिल जाता है ट्रैक्टर का, यहाँ पर आपको जो है न्यू होलैंड का लोगो मिल जाता है, एयर क्लीनर मिल जाता है, एयर क्लीनर जो उसका भी बाहर आएगा और इसका भी बाहर है, बस जो है साइड में साइलेंसर दे दिया उसका। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको जो वो पसंद भी आ सकता है, और जो है शो के अंदर वाला भी साइलेंसर पसंद आ सकता है, जैसे कि ये खड़ा है। और उसके अंदर जो LED लाइटिंग आ जाती है, हैलोजन बल्ब मिल जाता है उसके अंदर, और DRL आ जाती है इसके अंदर, जो कोई भी DRL वगैरह नहीं देगी। बाकी सब कुछ आपको जो वेट वगैरह सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, एडजस्टेबल फ्रंट हिस्सा मिल जाता है, वेट वगैरह सेम मिल जाते हैं, 716 जो आपको फ्रंट वाले टायर मिल जाते हैं, और रियर वाले 16928 के मिल जाते हैं। फाइबर छतरी का आपको जो तीनों मॉडलों के अंदर ऑप्शन मिल जाता है, स्पेशल एडिशन के अंदर जो आती है फाइबर छतरी, और सुपर प्लस के अंदर इस मॉडल के अंदर भी आप जो है ले सकते हो, और जो है नए वाले मॉडल के अंदर भी आप जो है ले सकते हो। उसके जो 25-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे आपको। और अब करें साइड से बात, तो ऐसा कुछ जो साइड से लुक मिल जाता है ट्रैक्टर का। बाकी लंबाई वगैरह ऊंचाई वगैरह बिल्कुल सेम मिल जाती है ट्रैक्टरों की, उसके अंदर जो कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसके अंदर जो हीट गार्ड भी आ जाते हैं, बाकी इंजन वगैरह बिल्कुल सेम मिल जाते हैं। कई भाई जो है मैंने सुपर प्लस नए वाले मॉडल की वीडियो डाली थी ना, उसके अंदर मैंने जो है 200 Nm टॉर्क कहा था, तो कई भाई कह रहे हैं कि 220 है 240 है, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, सेम टू सेम यही इंजन यूज़ किया गया, तो वो भाई कंपनी बेवकूफ़ बना रही है, और जिसके कारण भाई और भी डाउट बढ़ जाता है। तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको जो इंजन पावर वगैरह CC वगैरह मिल जाती है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा इंजन इसके अंदर आता है, और ऐसा ही जो नए वाले सुपर प्लस के अंदर आता है। 2900 CC का इंजन है, 50 HP कैटेगरी का इंजन मिल जाता है आपको, वैसे जो 55 HP की पावर लगा देता है भाई ये। इसके अंदर जो टर्बो वगैरह नहीं आती, उसके अंदर भी नए वाले सुपर प्लस के अंदर भी टर्बो नहीं आती। 2900 CC का इंजन है, बोस के इनलाइन पंप के अंदर आता है, रोटरी पंप सिर्फ जो स्पेशल एडिशन के अंदर ही आएगा, इस इन दोनों के अंदर है ना कोई भी रोटरी पंप यूज़ नहीं किया गया। और टर्बो भी जो है स्पेशल एडिशन के अंदर ही आती है। यहाँ पर आपको जो फिल्टर वगैरह मिल जाता है, वाटर स्प्रेटर मिल जाता है, और यहाँ से लुक चेक कर लो ट्रैक्टर का सुपर प्लस। यहाँ पर आपको जो क्रोम के अंदर मिल जाता है, जो ही काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में, धूप वगैरह के अंदर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और नए वाले सुपर प्लस के अंदर जो कोई भी 3D यहाँ पर आपको जो बैजिंग नहीं मिली, क्रोम वगैरह के यूज़ नहीं किया गया, वैसे ही यहाँ पर आपको जो सिंपल टेप वगैरह मिल जाती है उसके अंदर, और LMS डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और उसके अंदर जो यहाँ पर हीट गार्ड भी मिल जाता है। अब बात करते हैं पीछे से, तो पीछे से ऐसा कुछ जो लुक मिल जाता है ट्रैक्टर का। यहाँ पर आपको जो है 2000 kg लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो है जैक भी मिल जाता है, 46 HP की PTO पावर मिल जाती है, और यहाँ पर आप जो एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको जो चकोर शेप की, यहाँ पर आपको जो लाइटिंग मिल जाती है, चौरस इंडिकेटर वगैरह यहाँ पर ऐसे कुछ मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर मिल जाता है, बोटल होल्डर, एडजस्टेबल सीटिंग, 6 साल की वारंटी मिल जाती है, 6000 घंटे 6 साल की वारंटी, और न्यू लैंड यहाँ पर आपको जो है पेजिंग। वो आपको मैं शो खोल कर और दिखा देता हूँ। बाकी बार बार से चेंजेस किए हैं, कोई भी अंदर से है ना कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा दोनों ट्रैक्टरों के अंदर। यहाँ पर फ्रंट के अंदर यहाँ पर बैटरी मिल जाती है आपको, यहाँ पर फिट एंड फिनिश आप जो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, और डबल डीजल फिल्टर मिल जाता है, और कोई भी यहाँ पर टर्बो वगैरह नहीं देगी। यहाँ पर आपको जो पत्ती वगैरह मिल जाती है, इंजन वगैरह बनावट वगैरह बिल्कुल सेम मिल जाती है, बिल्कुल वैसा वैसा इंजन मिल जाता है इसके अंदर, और नए वाले सुपर प्लस के अंदर है ना बिल्कुल सेम इंजन मिल जाता है। जो भी बदलाव किया ना नए वाले मॉडल के अंदर, वो भाई बाहर ही है, बस अंदर से कोई भी बदलाव नहीं है, बस जो हीट गार्ड दे दिए, बाहर की साइड साइलेंसर कर दिया, कलर चेंज कर दिया, बैजिंग वगैरह चेंज कर दी, बस यही है। बाकी UG गियर बॉक्स मिल जाता है, 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर यहाँ पर आपको जो है मिल जाता है, डबल फुट स्टेप मिल जाता है, और लगभग मैंने आपको जो बाहर से बता दिया, आप चलते इसके ऊपर, यहाँ पर आपको जो है डबल फुट स्टेप मिल जाता है, इंडिपेंडेंट क्लच डबल क्लच के अंदर ही आता है, यहाँ पर आपको जो है टूल बॉक्स मिल जाती है।
और शोबंद करी भाई। और ऐसा जो क्लस्टर मिल जाता है, क्लस्टर आपको जो तीनों मॉडलों के सेम मिल जाते हैं, जैसा कि जो है सुपर प्लस नए वाले मॉडल के अंदर, इस मॉडल के अंदर और स्पेशल एडिशन के अंदर। यहाँ पर आपको जो बटन के अंदर डिफरेंस मिलेगा, इसके अंदर जो है नॉर्मल डंडी दे रखी है, लेकिन उसके अंदर जो स्पेशल एडिशन वाले कंट्रोल दे रखे हैं वो बटन वाले। यहाँ पर आपको जो जाड वाले मिल जाते हैं। और एक डिफरेंस और बता देता हूँ, इसके अंदर जो हैलोजन लाइटिंग आती है, उसके अंदर जो LED लाइटिंग मिल जाती है। यहाँ पर जो स्पेशल एडिशन के अंदर आती है ना, वैसी यहाँ पर आपको जो है सुपर प्लस नए वाले मॉडल के अंदर लाइटिंग मिल जाती है। इसके अंदर जो है सिंपल हैलोजन दे रखी है, 25 साल की यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है। बाकी ऊपर से लुक चेक करो, बाकी मिरर वगैरह बिल्कुल सेम मिल जाते हैं। ये जो डार्क साइड है तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं दिखाई देगी, तो ये भी अच्छी बात है। बाकी साइलेंसर शो के अंदर मिल जाता है। लुक वगैरह काफ़ी बढ़िया भाई ट्रैक्टर का, सीटिंग पोजिशन भी काफ़ी बढ़िया, कम्फर्टेबल ट्रैक्टर है। बाकी यहाँ पर आपको जो कवरिंग मिल जाती है, कोई भी इसके अंदर मैट वगैरह नहीं दी गई। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर लीवर हो गया, यहाँ पर लिफ्टिंग कंट्रोल हो गए, हैंड ब्रेक यहाँ पर दे दिया इसका, और अवेलेबल डिस्क ब्रेक है। बाकी क्लच वगैरह स्मूथ मिल जाती है आपको कुल मिलाकर। और भाई हिट गार्ड तो जो स्पेशल एडिशन के अंदर ही नहीं आते और इसके अंदर भी नहीं आते, नए वाले मॉडल के अंदर है ना हिट गार्ड दे दिए। और इन दोनों के अंदर जो मोटा मोटी 15,000 रुपये का डिफरेंस मिल जाता है। ये जो आपका 8,80,000 रुपये में ऑन रोड मिल जाएगा, वो जो आपका 8,95,000 रुपये में ऑन रोड मिल जाएगा विदाउट फाइबर छतरी। फाइबर छतरी लो तो उसके जो 25,000-30,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा लेना, वो आपको फाइबर छतरी के साथ भी मिल जाएगा। ये और दोनों मॉडल मिल जाएगा, आपके पास ऑप्शन मिल जाता है, आप जो फाइबर छतरी के अंदर भी ले सकते हो और विदाउट फाइबर छतरी भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो लाइटिंग वगैरह कंट्रोल मिल जाते हैं, बाकी चौक वगैरह यहाँ पर दे दिया। अभी मैं आपको जो गियर स्पीड भी चेक करा देता हूँ, एक मिनट बैक। ये हमारे पहले का लोड चल रहा है, 1500 आरपीएम पे चल रहा है ट्रैक्टर। ये दूसरे का लोड चल रहा है 1500 आरपीएम पे। ये तीसरा लोड चल रहा है 1500 आरपीएम पे। ये छोटे का लो चल रहा है टॉप लो में। ये पहले का मीडियम है, ये दूसरे का मीडियम है, ये तीसरे का मीडियम 1500 के अंदर। ये चौथे का मीडियम 1500 रुपये पे चल रहा है भाई दोस्तों। ये पहले का ही है।